हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया चंदेल्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दही बड़ा बनाने की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना अपनी आज की रेसिपी। तो जिसे बनाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर 1 कप मूंग दाल और 1 कप उड़द की दाल, जो कि मैंने साथ में दोनों को पानी में भिगो के रख दिया था 4 घंटे के लिए। और अब मेरी दाल जो है यहाँ भीग चुकी थी, और इसके बाद अब मैं इसे यहाँ पर ग्राइंड करूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। तो देखिए, यहाँ दाल जो है ग्राइंड हो चुकी है और मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और बाउल में ट्रांसफ़र करने के एक स्पून की हेल्प से मैं इस दाल को अच्छी तरह से फैट लूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। आप यहाँ विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पून से ही दाल को अच्छे से फैट रही हूँ। तो देखिए किस तरह से इस दाल को फैटना है, क्योंकि हम जितना अच्छी तरह से इस दाल को फैटेंगे, मिक्स करेंगे, हमारे बड़े जो हैं उतने ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ़्ट बनेंगे। तो अब मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग। हींग हम यहाँ डाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे, इससे अच्छा डाइजेशन होता है। तो देखिए, अब मैं यहाँ इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से फैट लूँगी दाल को, अच्छे से मिक्स कर लूँगी दाल को, ताकि मेरे बड़े जो हैं सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने। तो देखिए मैं किस तरह से, जो मेन टिप्स है हमारा यही है दही बड़े बनाने का, हमारी दाल जो है अच्छी तरह से फैटी होनी चाहिए। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ इसमें ऐड करूँगी थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश, जिसका कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो प्लीज़ आप ये इसमें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये इसे ऐड कीजिएगा। और इसके बाद एक बार फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल लिया है, और ऑयल जो है गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसे बैटर को स्पून की हेल्प से इसके अंदर ऐड करूँगी और अपने दही बड़े फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ मैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर स्पून की हेल्प से लेकर कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। और इसके बाद अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी, ताकि जो बड़े जो हैं अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो देखिए यहाँ स्लो फ्लेम पर ही मैंने इसे फ्राई किया है, और जब मुझे लगेगा कि हाँ बड़े जो हैं थोड़े से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर चेंज होने लगा है, तब मैं फ्लेम जो है थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। तो देखिए इस तरह से इसे चलाते हुए इस तरह से फ्राई करना है बड़ों को। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मुझे इन्हें डायरेक्ट ऑयल से निकाल कर पानी में डिप करना है। तो देखिए यहाँ मेरे बड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी सबको, और उसके बाद मैं बाकी के बड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो चलिए, जो हमारे बड़े अभी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें पानी में भिगो देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 बाउल पानी लिया है, और इसमें अब मैं ये सारे बड़े जो हैं इन्हें डिप कर दूँगी पानी में, भिगो दूँगी। और जब मुझे ये बनाने हैं, तब मैं इन्हें पानी से बाहर निकालूंगी और दही और चटनी के साथ इसे सर्व करूँगी। तो देखिए कि बड़े कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए। तो अब मैं इन्हें प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। बड़े जो हैं देखिए यहाँ पर पानी में डिप हो चुके हैं, भीग चुके हैं अच्छे से। अब मैं इन्हें पानी से बाहर निकाल के अच्छे से स्क्यूज़ करके इनका पानी बाहर निकालूंगी और इन्हें एक प्लेट में सर्व करूंगी। तो देखिए किस तरह से मैंने पानी से निचोड़ कर बाहर निकाल रही हूँ, और इसी तरह से मैं सारे निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं इसे दही, इमली की चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी। तो चटनी मैंने पहले से ही तैयार करके रख ली थी, चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। तो देखिए पहले मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को मुझे इसमें अच्छे से ऐड करना है, क्योंकि दही जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मेन है। तो दही देखिए मैं अच्छे से इसे दही में इसे ऐड कर दूँगी। दही जो है आपका ठंडा होना चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके बाद फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी। और खट्टी मीठी चटनी ये जो है, ये मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये ग्रीन चटनी, धनिए और पुदीने से मिंट से बनी है चटनी, ये भी मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। और इसके बाद एक बार फिर से मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी दही, दही डालूँगी थोड़ी सी, और लास्ट में मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए यहाँ हमारे दही बल्ले जो हैं बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स,
ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है और घर में बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।